और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। भारत के जारहाना अजायम और बेबुनियाद इल्जामात और दावे तारीख के औराक को नहीं बदल सकते। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़े हैसियत को नहीं बदल सकते। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाजे पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का किया। अफवाज पाकिस्तान ने दो दिहाइयों से तवील दहशतगर्दी के खिलाफ एक इंतहाई दुश्वार गुजार और कुर्बानियों से भरपूर जंग लड़ी है। वी आर ए बैटल्ड हार्डन्ड आर्मी एंड बैटल्ड हार्डन्ड आर्म फोर्सेस विच आर लेड फ्रॉम द फ्रंट बाय द ऑफिसर्स। और अगर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की आगे बात करें तो फरवरी 2019 में पुलवामा में हिंदुस्तान ने मुकम्मल मनसूबाबंदी करके सोच समझ के, जिसके सबूत अभी उनके अपने गवर्नर सीतापाल मलिक और उनके एक्स आर्मी चीफ खुद दे रहे हैं, उन्होंने पूरी सोच समझ के मनसूबाबंदी के साथ वो आए, तो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस आर्म फोर्सेस की आपके सामने तारीख इसकी गवाह है। हिंदुस्तान भी और बाकी अवामें जो अवाम हैं, बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, वो भी इसके गवाह हैं। और जहां तक कुछ नाकदीन का और भारत के प्रोपेगेंडे में लोगों का यह ख्याल है कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान और भारत का दफाई बजट तो कई दहाइयों से उसमें फर्क है। पर कैपिटा फौजी पर जो खर्चा होता है वो तो कई दहाइयों से भारत का हमसे बहुत ज्यादा है। ना ये शक पहले किसी को था, ना अभी है और ना आइंदा रहेगा। और आखिर में इन सब चीज़ों को आप बालाए ताक भी रख दें तो पाकिस्तान फौज का एक एक सिपाही ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह के जज्बे से सरशार है।